हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर। मैं हूं सीमा। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं आपका मम्मी के बालों में जो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करी थी, आप लोगों का एक्सट्रीम लेवल पर अगर हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो हमने आप लोग के साथ में फर्स्ट टाइम शेयर किया था आपका नाइट हेयर पैक, और सेकेंड हमने आपके साथ में शेयर किया है आपका हेयर ऑयल, जो कि बहुत बेस्ट है और बहुत ही बढ़िया ऑयल है, ठीक है, शीका का हेयर ऑयल, ठीक है। दूसरी चीज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एप्लीकेशन पैक बनाने से लेकर के एप्लीकेशन और उसके बाद से कॉम करने के बाद से हेयर फॉल कितना हुआ है वो भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने बालों में कि इस पैक को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और कौन कौन सी चीजें हमें नीड है कि इस पैक को हम रेडी कर सके, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इस हेयर पैक को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। सो गाइज, हेयर पैक बनाने के लिए हमें चाहिए आपका हर्बल। आपका घर में भी आप शीका काई पाउडर रेडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपका शीका काई पाउडर, जो कि आपके स्कैल्प से क्लींजिंग का काम करता है। जो भी डस्टिंग होती है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, उन सब को निकालता है। डैंड्रफ की समस्या है या इची स्कैल्प की समस्या है या ऑयली स्किन की समस्या है, उन सभी के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको लेना है फर्स्ट शीका काई पाउडर, और उसके बाद से हम यहाँ पर जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो भी देख लेते हैं क्या है। जो जो चीज़ें इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस, सभी चीज़ें आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके यूज़ करेंगे तो आपके जो हेयर फॉल है वो इंस्टेंटली कंट्रोल हो जाएंगे। इस सीरीज़ का नाम मैं आप लोग के साथ में जो इसकी प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दूंगी, आपका कंप्लीट हेयर फॉल सॉल्यूशन, ठीक है। और आप लोग उस प्लेलिस्ट को खोल करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डालेंगे आपका रीठा पाउडर, जो कि आपका एक शैम्पू का काम करता है। रीठा पाउडर बहुत ही बेस्ट होता है हमारे बालों के लिए, तो आपको रीठा पाउडर लेना है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ आपको वो सारी चीज़ें लेनी है। और रीठा जो पाउडर होता है आप घर पे इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसको आप प्रिपेयर करके घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। बट आपको जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर आप साबुत लेकर आते हैं तो दुकान वाले से आप पूछिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो वो मत लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर डालेंगे आपका हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर के अपने बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि अपने में ही ये आपका एक कम्प्लीट हेयर फॉल सॉल्यूशन है। अगर आप हिबिस्कस का हेयर पैक अपने बालों में लगाना शुरू करते हैं या हिबिस्कस से बने हेयर स्पा क्रीम अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं हमने, वो मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग और अपनी मम्मी के बालों के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये जो पैक बनाया ये मम्मी के लगाया, उसके बाद मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया। तो ये मम्मी के स्कैल्प में लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही थोड़ा सा बनाया है फर्स्ट टाइम के लिए। लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके बाल निकलते हैं वो आपकी जड़ से निकलते हैं, तो हमें जड़ को ठीक करना है, मजबूत करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम डालेंगे अश्वगंधा का ग्रीन टी। आप चाहें तो इस ग्रीन टी को पूरा ऐसे शैशे डाल दें, और आप चाहें तो ग्रीन टी को पानी में बॉईल कर लें और उसके पानी से ही इस घोल को, मिक्सचर को आप रेडी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पानी यूज़ करेंगे वो हमारा नॉर्मल वाटर रहेगा। आप यहाँ पर फेनिग्रीक वाटर यूज़ कर सकते हैं, राइस फर्मेंटेड राइस वाटर यूज़ कर सकते हैं, जिंजर वाला जो पानी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस पैक को आप जितना अच्छा, जितने ज़्यादा टाइम तक लगाते हैं, आपके बालों में थिकनेस भी इम्प्रूव होती है, आपके बालों में जो लेंथ आपकी शॉर्ट हो रही होती है, मीन्स कि आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है, वो भी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अश्वगंधा एक बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए। जिनको भी PCOS या PCOD की प्रॉब्लम है वो लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या अगर हेयरफॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है, कंट्रोल नहीं है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और संडे में मैसेज ड्रॉप किया करें। संडे में मैसेज ड्रॉप करते तो आपको आंसर किया जाता है, क्योंकि संडे मेरा फ्री रहता है और संडे को मैं अपना ऑफ रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और दूसरी चीज़, बालों की केयर के साथ में आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, पानी बहुत सारा पीना है। मैं आप लोग को प्रेफर करूँगी कि आप लोग नारियल वाटर पिए, या फिर आप लेवेंडर का टी पिए, और या फिर अश्वगंधा टी पिए, या सिनेमम टी पिए। मैं आप लोग के साथ में जो छोटे छोटे जो टिप्स शेयर करती हूँ वो सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट जो हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरी चीज़, ये जो हेयर पैक है ये आपके बालों में काला भी करता है, आपके बालों को जड़ से काला बनाने का काम करता है। थोड़ा सा पानी आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड करें और उसके बाद इसको रात भर के लिए बनाकर लोहे की कढ़ाई में रख दें, या फिर आप इसको किसी भी बाउल में रख दें, ठीक है। सुबह उठेंगे आप ना तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो आपको उसी तरीके से लगाना है। यहाँ पर हम डालेंगे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे। रात में इस पैक को प्रिपेयर करके रखना है, और मंडे को या ट्यूजडे को या फिर संडे में किसी भी दिन आप इसको लगा सकते हैं। प्रिपरेशन इसकी आपको नाइट में करनी है और लोहे की कढ़ाई में करते हैं तो वो बेस्ट है,
यहाँ पर थी नहीं, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं मंगा लूँगी, यहाँ पर जो है कढ़ाई वो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो मम्मी अपने लिए मंगा लेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम डालेंगे आपका यलंग एसेंशियल ऑयल। इस पूरे कंप्लीट सीरीज़ में आपके तीन एसेंशियल ऑयल यूज़ हुए हैं, यलंग यलंग, रोजमेरी और आपका लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल आपको ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए आपके पास, अगर आपका एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रहा है तो। और नज़र लगी है तो अपने बालों को आप नज़र उतारिए, नज़र उतारने के बाद से अपने बालों की केयर करिए, देखिए आपके बाल कैसे नहीं रुकते हैं। जिस चीज़ का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास नहीं है, वो इस ट्रीटमेंट से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको 10,000-20,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 3,000-4,000 रुपये आपको 3 से 6 महीने में लग जाएंगे और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, जहाँ विश्वास है वहीं पर सारी चीज़ें हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको रख दीजिए और इसको आप यूज़ करना शुरू करिए। हफ्ते में 3 बार पैक लगाइए, हफ्ते में 3 बार हेयर ऑयल करिए और हफ्ते में 3 बार अपना आप सीरम लगाइए, या फिर ऑल्टरनेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे मम्मी के बालों में कोम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी के बालों में कोम कर रही हूँ, और कोम करने के बाद से आप लोग देखिए कितने बाल निकलते हैं, ये मैं आप लोग के साथ में पूरा यहाँ पर दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस, बाल जब झड़ते हैं और किसी इंसान के बाल रुक जाते हैं ना, तो उसको उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होती। और मैंने मम्मी के बालों में ट्रिमिंग कर दी थी, मैंने कहा मम्मी को बाल कटवा लो, बाल छोटे ठीक है, बट अगर बाल सर पे ना रहे तो फिर बेकार है। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है काट दो। तो फिर मैंने इनके बालों की ट्रिमिंग कर दी थी, बराबर कर दिया था पीछे से बालों को, और उसके बाद से इनके बालों में अब हम पैक लगाएंगे। तो आप देख सकते हो हेयर फॉल कितना कम हुआ है। और हमेशा मोटे तीत की कोम का यूज़ करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीत का, मोटी तीत का कोम ना यूज़ करें। और मैंने मम्मी के बालों में ऑयलिंग करी हुई थी, तो 2 दिन था मैं यहाँ पर डांस करती थी, मैंने कहा देखो मम्मी कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और एकदम कंप्लीट हो गया 7 दिन। मेरा बाल रुक गया और मेरा बाल नहीं झड़ रहा है। सीधा ने कटिंग वटिंग सब कर दी है, कटिंग भी कर दी। अब मेरी लड़की के हाथ में जादू है, आप लोग सब लोग आशीर्वाद दीजिए। माँ तो आशीर्वाद देती ही है, सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरी लड़की के हाथों में जादू है। मम्मी हीरोइन बना दे। गाइज, माँ बाप की जो ब्लेसिंग्स होती हैं बहुत लगती हैं बच्चों को, बट क्या होता है ना कि जब हम दिल से कोई काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल सच्चे दिल से काम कर रहे होते हैं, किसी से हम झूठ नहीं बोल रहे थे, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें होती हैं और हम उन सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है कि आप किसी चीज़ को ठीक कर सकते हो, तो आप उसको डेफिनेटली ठीक कर सकते हो, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और विश्वास के दम पर ही आप इतने दूर जाते हो, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, आप विश्वास करते हो तभी जाते हो, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हेयर फॉल है। तो चलिए फेस टू फेस बात करते हैं। सो गाइस, देखा आपने हमारा जो हेयर पैक है वो बन करके रेडी हो चुका है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग को सारी चीज़ें पता हैं कि क्या चीज़ें कब कैसे यूज़ करनी है और किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो हेयर पैक है वो बनकर रेडी हो चुका है, तो इसको अप्लाई करना है अपने क्लीन बालों पर, वॉश किए हुए बालों पर। और आप चाहें तो 2 दिन बाद अपने बालों पर इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आपको 3rd डे हेयर वॉश करना है, तो इसको हेयर वॉश करके आप अपने बालों पर लगा सकते हैं, या ऑयल लगे हुए बालों पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद आपको शैम्पू के साथ में वॉश कर देना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस पैक को लगाते हैं अपने बालों में, तो आपको 1 महीने कंटिन्यूअसली इसको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो बहुत बेस्ट हैं। तो आपने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। दूसरी चीज़ ये कि अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पैक को एप्लीकेशन कैसे करना है। और दूसरी चीज़, जब भी आप अपने बालों में पैक लगाते हैं, तो अपने बालों को आप रबर बैंड से टाई अप करें, क्लेचर का बिल्कुल यूज़ ना करें। इस टॉपिक पे मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करूंगी, मेरे जो साइड से बाल थे, जो सामने के जो बाल थे वो उड़े कैसे थे, इन सब चीज़ों पे भी मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार एप्लीकेशन, उसके बाद मैं मिलती हूँ, ठीक है ना। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो हेयर पैक है वो बनकर रेडी हो चुका था। तो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन। मम्मी के बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बट वो ठीक है, ठीक हो जाएगी। ऑयल वगैरह प्रिपेयर करके रख दिया है इनका, अब ये मम्मी यूज़ करती रहेंगी और आप लोग के साथ में जो फीडबैक है वो शेयर करती रहूँगी मैं, क्योंकि मम्मी को ना ज़्यादा फ़ोन वोन चलाना नहीं आता है, थोड़ा बहुत व्हाट्सअप वगैरह चला लेती हैं। इनको मैंने सिखाया कि व्हाट्सअप पे मैसेज कैसे करते हैं, वॉइस मैसेज कैसे करते हैं। वॉइस मैसेज बोल करके रिकॉर्डिंग तो आती है, बट वॉइस मैसेज बोल करके आप टाइप कैसे करोगे वो मैंने इनको बताया। तो अभी मेरे को बोल रही थी कि मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी, या फिर दीपू से या गोलू से, मेरे भाई जो है थोड़े से बिजी रहते हैं, क्योंकि पापा का बिजनेस है। आप लोग के साथ में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है सारी चीज़ें, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आप लोग को जो पैक लगाने का भी तरीका होता है, अच्छे से पार्टीशन करना है, पार्टीशन कर करके आपको पैक लगाना है। जब आप अच्छे से पैक लगाते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। आप जल्दी जल्दी में करोगे और आपके पेशेंस ही नहीं है, भाई सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो कोई चीज़ सही नहीं होगी। अगर आप अच्छे से कोई चीज़ कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तसल्ली से कर रहे हो, दूसरी चीज़ अगर आप अगले बंदे पर विश्वास करके काम करो, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं, 100% श्योर मिलते हैं। अगर विश्वास है तो एक बार आप अपना पूरा मुझे 6 महीना, 3 महीना, 1 साल दीजिए,
हमारे इस चैनल को, और उसके बाद से अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप इस चैनल को आके अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो जहाँ जिसको रिजल्ट्स मिलते हैं बंदे वहीं रहते हैं। तो आपको हमारे चैनल पर चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे वो कंसीव करने से रिलेटेड हो, या कोई पर्सनल गर्ल्स से रिलेटेड कोई बातें हो, तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ में हर एक टॉपिक पर वीडियो शेयर करना शुरू करूँगी एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है ना, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे पता है चीज़ें। तो यहाँ पर अच्छे से आपको बालों को टाई अप कर लेना है, और आप देख सकते हैं कि बालों को इस तरीके से पैक लगाने के बाद से हम टाई करते हैं। हमें यहाँ पर क्लेचर का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि क्लेचर से हमारे बाल जो है वो खींचते हैं और आपके जड़ों में नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से बालों में मैंने ऐसे ही जूड़ा बना दिया बिना किसी चीज़ के, और वो रुक गया है, ठीक है। आगे से लेकर पीछे तक आपको अपने बालों में करना है ये सारी चीज़ें। और मैंने मम्मी को बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हैं, एक तो नाइट हेयर पैक दिया है, एक नाइट आपका जो हेयर पैक मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, एक नाइट हेयर पैक दिया है, दूसरा हेयर ऑयल दिया है, और ये आपका हेयर पैक दिया है। बस मम्मी का इन्हीं सारी चीज़ों में हेयर फॉल रुक जाएगा। तो आप लोग करिए और मुझे बताइएगा कैसे लगे, ठीक है ना, बाय। सो गाइस, देखा आपने यहाँ पर हमने आपके साथ में हेयर पैक बनाने की रेमेडी जो है वो शेयर कर दी है, एप्लीकेशन शेयर कर दिया, हेयर कॉम करके आपके साथ में यहाँ पर ये भी शेयर कर दिया कि आपको हेयर फॉल हो कितना रहा है, ठीक है। आप अपने बालों में जब इस कंप्लीट ट्रीटमेंट को यूज करोगे, जो हेयर फॉल ट्रीटमेंट है हमारा, कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट जब आप इसको यूज करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना करके रख दूंगी और आप लोग इसको बनाकर यूज कीजिए, जो रिजल्ट्स आएंगे, जो फीडबैक आएंगे वो शेयर करना, ठीक है ना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, बाय।